प्रश्न। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह आसमान के ऊपर है और कुछ विद्वान कहते हैं अल्लाह का कोई निश्चित स्थान नहीं है, तो इस संबंध में सही कथन क्या है? उत्तर: अहले सुन्नत ने सर्वोच्च अल्लाह के अपनी मखलूक पर उलूवे ज़ाती अर्थात व्यक्तिगत रूप से बुलंद होने को कुरान, हदीस, इजमा अर्थात सर्वसम्मति, बुद्धि एवं फितरत से प्रमाणित किया है। जहाँ तक कुरान की बात है तो इसके अंदर अल्लाह ताला की सर्वोच्चता का उल्लेख विभिन्न प्रकार से किया गया है, कभी उलू अर्थात बुलंदी का उल्लेख करके तो कभी फौक अर्थात ऊपर का। कभी यह उल्लेख है कि उसके पास से चीजें नीचे की ओर उतरती हैं, तो कहीं पर यह है कि चीजें उसकी ओर ऊपर की तरफ चढ़ती हैं और कहीं पर यह है कि अल्लाह आसमान में है। उलू का उदाहरण अल्लाह ताला का यह फरमान है, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। फौक का उदाहरण अल्लाह ताला का यह कथन है, वहुवल काहिरु फौक इबादिह। उसके पास से वस्तुएं नीचे की तरफ उतरती हैं, इसका प्रमाण अल्लाह का यह कथन है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, तथा ऊपर की तरफ उसकी ओर वस्तुएं चढ़ती हैं, इसका प्रमाण अल्लाह ताला का यह फरमान है, इलैही यसअदुल कलिमु तय्यिब वल अमलु सालिहु यरफउ, तथा जिससे प्रमाणित होता है कि वह आसमान में है वो अल्लाह ताला का यह कथन है, अमिनतुम फिस समाई अन यखसिफ बिकुमुल अर्ध। जहाँ तक हदीस की बात है तो दसियों हदीसों में यह आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते समय अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाया करते थे। इसी प्रकार से दासी वाली हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा अल्लाह कहाँ है, तो उसने कहा आसमान में। आपने पूछा मैं कौन हूँ, उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके स्वामी से कहा इसे आज़ाद कर दो, यह मोमिना है। देखिए यह दासी जो स्वतंत्र न होने के कारण उसके अधिकार में कुछ भी नहीं है, वह भी जानती है कि उसका रब आसमान में है, जबकि आदम की संतान में से पथभ्रष्ट अल्लाह के आसमान में होने का इनकार करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ना तो ऊपर है, ना नीचे, ना दाएं है, ना बाएं, बल्कि कहते हैं कि वो हर स्थान में है। जहाँ तक इजमा की बात है तो सलफ इस बात पर एक मत है कि अल्लाह ताला ज़ाती तौर पर आसमान में है, तथा उनके कथनों को अनेक विद्वानों जैसे ज़हबी ने अपनी पुस्तक अलउलू लिल अलीगिल गफ्फार में नकल किया है। जहाँ तक बुद्धि की बात है तो सभी बुद्धिमान की सर्वसहमति है इस बात पर कि उलू अर्थात उच्चता सिफत कमाल अर्थात पूर्णता का गुण है, और यदि ऐसा है तो इसे अल्लाह के लिए मानना अनिवार्य है, क्योंकि परम पूर्णता का हर गुण सर्वशक्तिमान अल्लाह के लिए प्रमाणित है। जहाँ तक फितरत अर्थात प्रकृति की बात है तो यह ऐसा मामला है जिसके विषय में झगड़ा एवं विवाद करना असंभव है। प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति जानता है कि सर्वोच्च अल्लाह आकाश में है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब किसी इंसान को कोई कष्ट पहुंचता है तो उसके दूर करने के लिए वह अल्लाह की शरण में पहुंचता है, तथा उस समय उसका हृदय आसमान की ओर आकर्षित होता है, न कि किसी और दिशा में। बल्कि आश्चर्यजनक बात यह है कि जो लोग सृष्टि पर अल्लाह की उच्चता को नकारते हैं वे भी दुआ करते समय अपने हाथों को आसमान की ओर ही उठाते हैं।